2020 इतिहास का सबसे घटिया मनुष्य, बेकार साल जिसने हमसे बहुत कुछ छीन लिया, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर इरफान खान। लेकिन फिर भी अगर सारी नेगेटिविटी को साइड में रखकर देखें तो 2020 सिनेमा लवर्स के लिए सबसे अच्छा साल साबित हो रहा है, जिसमें हमें कुछ जबरदस्त वेब सीरीज देखने को मिली, जैसे असुर पाताल लोक स्पेशल ओपीएस आर्या और सबसे बड़ा सरप्राइज ब्रीथ इनटू द शैडो। इन सभी वेब सीरीज को देखने के बाद एक बात तो पता चल गई कि अगर बॉलीवुड में नेपोटिज्म नाम का कीड़ा नहीं होता तो बॉलीवुड में भी साउथ इंडस्ट्री जैसे दमदार कंटेंट देखने को मिलते। लेकिन एक बार फिर नेपोटिज्म का मुंह बंद करने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो हाजिर है ब्रीथ सीजन 2 के साथ। वेब सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है जो 40 से 45 मिनट लंबे हैं और वेब सीरीज आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस बार कहानी देश की राजधानी दिल्ली से शुरू होती है, जहां डॉक्टर अविनाश अपनी पत्नी आभा और बेटी सिया के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। डॉक्टर अविनाश जो कि इंसानों के दिमाग का इलाज करते हैं, मगर अक्सर इनकी मदद बड़े बड़े पुलिस केसेस को सोल्व करने में ली जाती है। कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर कबीर सावंत, जो अपने बुरे अतीत से लड़ रहे हैं, मगर इनका दिमाग किसी भी सातिर क्रिमिनल से तेज भागता है। कहानी में नया मोड़ आता है जब डॉक्टर अविनाश की बेटी सिया किडनैप हो जाती है और बदले में किडनैप पर खूब सारे पैसे या जमीन जायदाद नहीं बल्कि कुछ लोगों को मारने का बोलता है, और जब तक डॉक्टर अविनाश उन लोगों को मारते रहेंगे तब तक उनकी बेटी जिंदा रहेगी। यहाँ से शुरू होता है असली खूनी खेल, जिसको रोकने की जिम्मेदारी है इंस्पेक्टर कबीर सावंत की। तो क्या अपने काले अतीत को भूलकर कबीर सावंत इस मौत के सिलसिले को रोक पाएंगे, या फिर किसी साइको किलर की कठपुतली बन चुके डॉक्टर अविनाश एक के बाद एक लाशें बिछाते रहेंगे? आखिर कौन है ये साइको किलर जो डॉक्टर अविनाश से ये सब करवा रहा है, और आखिर क्या दुश्मनी है इस सीरियल किलर की डॉक्टर अविनाश से? इन सभी बातों के जवाब देने का काम करती है ब्रीथ इनटू द शैडो। वेब सीरीज में हर मर्डर का कनेक्शन जिस तरीके से रावण के 10 सर से किया गया है, ये वेब सीरीज को एकदम यूनिक बनाता है, जो इससे पहले किसी भी वेब सीरीज में देखने को नहीं मिला। और जिस तरह से कास्ट किए गए लीड कैरेक्टर के पीछे उनकी बैक स्टोरी का ताना बना बुना गया है, वो धीरे धीरे उनकी काली दुनिया का आपको राजदार बनने पर मजबूर कर देगा। सबसे जरूरी बात, वेब सीरीज में जितने भी मर्डर होते हैं उनके पीछे क्रोध, वासना, डर जैसे मजेदार फ्लेवर का इस्तेमाल किया गया है, जो वेब सीरीज को अपने आप में यूनिक बनाती है। वेब सीरीज में कुछ जगह असुर के मास्क वाले कैरेक्टर की याद आ सकती है, लेकिन ब्रीथ फिर भी अपनी एक अलग दुनिया बनाता है। अगर बात करें एक्टिंग की तो जूनियर बच्चन, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको सकते में डाल दिया, वहीं दूसरी तरफ अमित साध की परफॉर्मेंस पहले की तरह एकदम दमदार है, जो बिना कुछ ज्यादा बोले ही आपका दिल छू जाएंगे। बात करें नित्या मेनन की तो अभिषेक के साथ उनकी केमिस्ट्री कुछ ज्यादा सेट नहीं बैठी, इसलिए मैं थोड़ा निराश हुआ उनकी एक्टिंग से। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किया सपोर्टिंग एक्टर श्रुति बपना और ऋषिकेश जोशी ने, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से नेपोटिज्म के मुंह पर जोरदार तमांचा कस दिया। तो अगर कम शब्दों में बोले तो ब्रीथ सीजन 2 एक मास्टरपीस है, जिसे छोड़ने की गलती कोई नहीं करना चाहता होगा। वेब सीरीज में क्राइम और सीरियल किलिंग एक नए तरीके से दिखाई गई है, जिसे देखने के बाद आप असुर को भूल जाओगे। मेरी तरफ से वेब सीरीज को 5 में से 4 स्टार। तो जाइए और देखिए ब्रीथ सीजन 2। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।